भारत की ग्रीनको कंपनी, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्लीन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल्स कंपनी है, उसने बेल्जियम की जॉन कॉकरेल कंपनी, जो कि हाई कैपेसिटी अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स को डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है। इस जॉइंट वेंचर से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स गीगा फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिसकी क्षमता 2 गीगावाट की होगी। यह पूरे विश्व की बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनियों में से एक होगी। आपको बता दें कि यह जॉइंट वेंचर फैक्ट्री भारत के एलएनजी इंपोर्ट्स को 8% तक कम कर देगी। जॉन कॉकरेल की प्रेशराइज्ड अल्कलाइन टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल हाइड्रोजन एप्लीकेशंस के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसको ग्रीनको की लो कॉस्ट सॉल्यूशन के साथ मिलाकर भारत में एक बड़े हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए तैयार किया जाएगा। इस गीगा फैक्ट्री में पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइजर वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही वर्ल्ड क्लास निकेल कोटिंग का भी काम किया जाएगा। यह गीगा फैक्ट्री इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएगी, जो कि हाइड्रोजन को 30 बार्स में हाईएस्ट प्योरिटी लेवल के साथ डिलीवर करेगी। ग्रीनको का उद्देश्य इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है, जबकि बेल्जियम की जॉन कॉकरेल को दुनिया की हाईएस्ट कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाने के लिए जाना जाता है। हाइड्रोजन इंडस्ट्री के इस डेवलपमेंट से भारत में बहुत सारे लोकल इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और स्टील प्लांट्स को होगा। इससे एक लार्ज स्केल एनर्जी इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कि भारत में सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी पर फोकस किया जा सकेगा। ग्रीनको के सीईओ अनिल चलामला सेट्टी के अनुसार, यह जॉइंट वेंचर सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स को ही कम नहीं करेगा, बल्कि इससे भारत धीरे धीरे एनर्जी एक्सपोर्ट्स भी करने लगेगा। जॉन कॉकरेल के सीईओ राफेल टिलक के अनुसार, भारत और पड़ोसी देशों में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है। इससे हमें काफी फायदा मिलेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य कैसा रहेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।